नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया व्यू, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसमें आपको बताऊंगा गूगल के कुछ ऐसे टिप्स और उसके ट्रिक्स जिसको देख के आपको बहुत अचंभा होने वाला है। जी हां दोस्तों, गूगल के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको देख आपने कभी पहले देखा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिरी तक हमारे वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं ऐसे वीडियो जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला ट्रिक है वो है गूगल ऑर्बिट। दोस्तों, गूगल समझता है कि पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही है। दोस्तों, ये ट्रिक आजमाने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही अनुभव होने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल ऑर्बिट, तो आपको सेम लोअर केस में, मतलब कि छोटी एबीसीडी में ही आपको लिखना है गूगल ऑर्बिट। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा जो पहला ट्रिक था गूगल ऑर्बिट, उसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल का जो होम पेज है उस पर लॉग इन होना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे सर्च बार जो आपको दिख रहा है, ये देख ले अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना पड़ेगा गूगल ऑर्बिट। दोस्तों, जब आप गूगल ऑर्बिट लिख देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं, और उसके बाद आप जो ड्रॉप बॉक्स नीचे खुला है उसमें अगर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट साइड में लिखा देगा दोस्तों, आई एम फीलिंग लक्की। तो आपको जस्ट आई एम फीलिंग लक्की के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो गूगल का जो एक नया पेज खुल जाएगा, और वहाँ पे गूगल के चारों तरफ आपको ये जो टैक्सीज हैं वो घूमते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि गूगल भी यही सोचता है कि पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही है। तो ये ट्रिक से यहाँ पे साबित हो रहा है। दोस्तों, जो ही आप अगर माउस का पॉइंटर है उसको दूर लेके जाते हैं इस लोगों से, तो इनका जो मूवमेंट है टैक्सीज का वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट होने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको इस ट्रिक से निकलना है या वापस आना है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है ओनली एक, आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक हो गया है। चलो अब नेक्स्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली ट्रिक थी गूगल ऑर्बिट, तो उसमें आप पूरा गूगल की तरह ही गोल गोल घूम गए होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी ट्रिक है जर्क रस। दोस्तों, ये ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने कुछ सर्च किया है गूगल पे और आपको कुछ पसंद नहीं आया, आपका जो सर्च रिजल्ट्स हैं आपको उसमें कुछ आपका रिजल्ट के लायक नहीं है, तो आपको वो रिजल्ट पसंद नहीं आया है, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों जर्क रस। आपको सिर्फ गूगल पे वहाँ पे टाइप करना है जर्क रस, ये लोअर केस में ही आपको टाइप करना है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि एक 0000 करके वहाँ से ऊपर से आपका जितना भी सर्च रिजल्ट है उसको वो ख़त्म करते हुए जा रहा है। दोस्तों, ये एक गेम है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा जो ट्रिक है गूगल का वो कैसा है। तो दोस्तों, सेम जो फर्स्ट ट्रिक हमने की थी, जो यहाँ पे हमने जो सर्च ऑप्शन है, सर्च बार है, इसमें हमें लिखना है, तो सेम हम जो वहाँ पे देखा था स्लाइड में जर्क रस हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, और जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमारे सामने एक नया विंडो खुल जाएगा, और ऊपर से ये 0000 ये यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारे जितना भी हमारे जो सर्च ऑप्शन है उसको ये क्रैश करते हुए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक गेम है, और यहाँ पे इनको आपको जैसे कि ये देखो, ये प्लस का निशान आ रहा है जब मैं इसके पे लेके जा रहा हूँ, तो आपको ये ख़त्म करने हैं सभी, जब तब तक ख़त्म करने हैं जब तक ये हमारा जितना भी पूरा सर्च ऑप्शन है उसको ये नष्ट ना कर दें। दोस्तों, इस गेम को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ट्रिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो सेकेंड हमारा ट्रिक था जर्क रस, उसको ज़रूर एंजॉय किया होगा उस गेम को। तो चलिए थर्ड ट्रिक की तरफ हम चलते हैं, वो है डू ए बैरल रोल। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करते हैं डू ए बैरल रोल, तो आपको जो पूरा जो पेज है आपका, जो गूगल का पेज है, वो पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, चलिए इस ट्रिक का भी हम एक बार एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा ट्रिक टू ए बैरल रोल। तो चलिए, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है बैरल रोल, और अब यहाँ पे जब ड्रॉप बॉक्स पे आप नीचे लेके जाते हैं, तो सेम यहाँ पे आई एम फीलिंग लक्की पे आपको क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। जब यहाँ पे क्लिक होता है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, इंटरनेट का स्पीड यहाँ पे थोड़ा कम है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पेज है वो पूरा रोल एक बार हो गया है। दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है, आप इसका भी एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो फिर सेम इसमें अगर हमें बैक जाना है, तो ये देखिए जिस भी आइकन पे आप लेके जा रहे हैं वो पूरा उसके चारों तरफ का घूम रहा है दोस्तों। तो ये हमारा ट्रिक हो गया दोस्तों, इससे बैक बाहर जाना है तो आपको बैक पे क्लिक करना पड़ेगा।
दोस्तों ग्रेविटी क्या चीज होती है ये शायद अभी तक आप अच्छे से नहीं जान पाए होंगे। तो दोस्तों जो हमारा चौथा गूगल का जो ट्रिक है वो आपको इसके बारे में अच्छे से बता देगा। दोस्तों अगला जो हमारा ट्रिक है वो है गूगल ग्रेविटी का। तो आप यहाँ पे गूगल का जो ग्रेविटी है उसको देखेंगे कि उसके जो अक्षर हैं, जो हमारे सर्च रिजल्ट है, गूगल का लोगो है, उसका क्या हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है गूगल ग्रेविटी का। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों गूगल ग्रेविटी, और जब आप नीचे जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा आई एम फीलिंग लक्की। जब आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ग्रेविटी का यहाँ पे जो नमूना है वो आपके सामने पेश है, आप देख सकते हो इससे क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा हमारा स्लो है, तो ये दोस्तों हो गया है। तो पूरा जो भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नीचे आ गया है दोस्तों। अब आप जितना भी टेक्स्ट हैं या टेक्स्ट हैं यहाँ पे या किसी को भी उठा के आप फेंक सकते हैं। जैसे ये हमने ये टेक्स्ट फेंक सकते हैं, इनको जो गूगल का लोगो है उसको भी उठा के फेंक सकते हैं, और जो सर्च बार था हमारा उसको भी हम उठा के फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल का दोस्तों देख सकते हो कमाल कैसा है, ग्रेविटी का कमाल। दोस्तों ये हमारा ट्रिक यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों गूगल ग्रेविटी के बाद नंबर आता है अटारी ब्रेकआउट्स का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कुछ सर्च किया है, इमेज आपने सर्च की है और आपको वो इमेज जो है पसंद नहीं आई है, तो आप उस इमेज के साथ गेम खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार जस्ट आप गूगल पे जाइए, अटारी ब्रेकआउट्स को आपको अटारी ब्रेकआउट को टाइप करना है, और वहाँ पे जितना भी आपका इमेजेस है वो आपके सर्च के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसका गेम खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस ट्रिक को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला जो ट्रिक है वो है अटारी ब्रेकआउट का। तो हमने यहाँ पे अटारी ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है, और यहाँ पे क्लिक करके हमें सिंपली एंटर पे प्रेस करना है। तो दोस्तों हम एंटर पे प्रेस कर देते हैं तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑल इमेजेस वीडियो न्यूज एंड मोर का। तो आपको दोस्तों इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए क्या एक गेम खुल गया। दोस्तों ये गेम शायद आपने बचपन में भी खेला होगा। ये हमें जो मकान है उसका दीवार को तोड़ना है। तो यहाँ पे बड़े मज़ेदार ये गेम है, आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों ये अटारी ब्रेकआउट का हमारा ये हो गया है। आपको इससे आउट होना है तो आपको सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप बैक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आउट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नए ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों जो दीवार तोड़ने वाला गेम है वो आपने एंजॉय कर लिया होगा, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है हमारा SQ ASKEW। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको टाइप करते हैं गूगल पे तो जो आपका जो पेज है गूगल का वो टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों अगर जो सर्च है आपने कुछ सर्च किया है और वो आपके हिसाब से नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उस पेज को टेढ़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार ASKEW यहाँ पे टाइप कीजिए, सेम लोअर केस छोटे लेटर्स में आपको टाइप करना है, और वहाँ पे आप देख लीजिए पेज कैसे आपका टेढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा ट्रिक है वो है ASKEW। तो जब दोस्तों हम यहाँ पे अपना गूगल सर्च पे यहाँ पे हम डाल देते हैं ASKEW, तो आप देखोगे दोस्तों ये जो हमारा पेज है थोड़ा टेढ़ा हो गया है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से कम डिफरेंस आपको दिखाई देगा, और यहाँ से जो डिफरेंस है इस लाइन का और इसका ये थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों ASKEW आप डालते हैं ये किस लिए होता है, जब आपको आपका जो सर्च रिजल्ट है वो आपके हिसाब से नहीं है, तो आप ASKEW डाल के इस ट्रिक का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है उसकी तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये है दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे कहीं ऑफिस में बैठे हो, अकेले बैठे हो, पार्क में बैठे हो, आपके साथ कोई आपका फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, तो आप ये जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये गूगल पैकमैन जो है एक गेम है, आप सर्च ऑप्शन में डालिए गूगल पैकमैन और वहाँ पे आपके सामने गेम निकल के आ जाएगा, आप जस्ट उसको एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारा गेम। तो दोस्तों अगर आप बोर हो रहे हो या कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो आप हमारा जो ये नया ट्रिक है आप इसके साथ में एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एक गेम है, यहाँ पे आपको सिंपली
टाइप करना है गूगल पैकमैन। यहाँ पे आपने गूगल पैकमैन यहाँ पे आपने सर्च कर लिख दिया, टाइप कर दिया है। उसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा आई एम फीलिंग लक्की, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक नया गेम खुल जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक नया गेम खुल गया है और यहाँ पे आप लिखा हुआ दिखाई दे रहे दोस्तों इंसर्ट कॉइन। दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पे इंसर्ट कॉइन लिखा है, लेकिन आपको असल में कोई कॉइन इंसर्ट नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, आप ये एक गेम है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों ये थे हमारे ट्रिक्स कुछ, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे ये ट्रिक्स। तो दोस्तों एक मज़ेदार बात ये है कि ये जितने भी ट्रिक्स हैं ये आपका जो मोबाइल है उसमें भी ये ट्रिक आपका काम करेगा। अगर आपके मोबाइल में ब्राउज़र है गूगल क्रोम का या गूगल फायरफॉक्स का, तो आप इजली ये जितने भी ट्रिक्स हैं आप उन दोनों आपका जो ब्राउज़र्स हैं उसमें उसको एंजॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और ये अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को दिखा के आप उनको ये ट्रिक्स बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ उसके साथ में उसका जो सेटिंग है वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, तो इसलिए कुछ इश्यू है उसके साथ। तो ये जितनी मैंने ट्रिक्स बताई है वो सभी उसमें काम नहीं करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ आपने गूगल की जो ट्रिक्स हैं उनको समझा होगा, सीखा होगा और एंजॉय किया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा इस वीडियो के को और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उसको। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा पसंद आए, आप चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर को दोस्तों को ये वीडियो देखना चाहिए, उनको भी गूगल की जो ट्रिक्स हैं उनका पता होना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपके पास कोई कमेंट है तो कमेंट मुझे दीजिए, और आपका कोई सवाल है ना कि इस वीडियो से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सवाल के जवाब हमेशा देने के लिए तैयार रहता हूं। और दोस्तों लास्ट में नंबर आता है सब्सक्राइब का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो फैमिली है उसको बड़ा कीजिए ताकि हम एक अच्छी फैमिली और बड़ी फैमिली बन सकें। दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अब मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।